क्या नाम है? किंजो निशान को प्लीज सब्सक्राइब कर सकते ये ले। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तारा यासीन, आपको चाहिए कि आप इस तरह की मीटिंग्स रखती रहा करें ताकि जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं आपको मिल सके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज मी किंजा ज़ीशान। सो गाइस, मैं वेलकम करती हूँ आप लोग का एक न्यू व्लॉग में। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चाहे जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ्री में देखने को मिल सके। सो गाइस, कल था सितारा यासीन का मीटअप, उन्होंने कॉल किया था और काफ़ी टाइम पहले से ही अनाउंस कर दिया था कि मैं इस्लामाबाद में जो है रावलपिंडी में अपना मीटअप जो सा है रख रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मैं उनसे मिलने जाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं इनको शुरू से देखती थी। जब ये कराची में थी तब भी मैं उनसे शुरू की, जो उनकी लाइफ की जर्नी जब स्टार्ट हुई थी, जब इन्होंने व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था, जब ये फेमस हुई थी तो तब मैं इनको देखना स्टार्ट किया था। और अब माशाल्लाह से ये इनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और इन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की जो उनसे सेलिब्रेशन भी की थी। मैंने सोचा कि मैं आज वीडियो बनाऊँ आप लोगों के साथ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मैं उनसे मिली तो मुझे कैसा लगा, वो रियल में कैसी हैं। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई और इतना ज़्यादा क्राउड था, इतनी ज़्यादा आवाम आई हुई थी उनसे मिलने के लिए। और उन्होंने हर एक को बहुत अच्छे तरीके से मिली, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सलाम किया सबसे। मैं तो उनसे दो दफ़ा वीडियो बनवा चुकी थी, एक दफ़ा जब वो साइड पर आई तब मैंने उनसे उनके साथ एक वीडियो शूट कर ली और एक दफ़ा मैं स्टेज पर चली गई और वो बहुत अच्छे तरीके से सबसे मिली। और वो रियल में एकदम देखने में ज़्यादा खूबसूरत है, जितना वो कैमरे में आती हैं उससे कहीं ज़्यादा रियल में ज़्यादा खूबसूरत है। उनकी मैं सारी फैमिली से मिली हूँ, बाबर भाई से मिली, जिन सिस्टर से मिली हूँ, ताहिरा सिस्टर से मिली हूँ, सबसे मिली हूँ। तो सबसे मिलकर मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी हुई। और मुझे पता है कि आप लोगों ने मुझे जो जिन जिन न्यू सब्सक्राइबर्स ने मुझे सब्सक्राइब किया उन्होंने सितारा यासीन की वजह से ही ऑब्वियसली किया है, तो आप लोग बेफिक्र हैं। अगर आप लोग उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं तो मैं भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इसलिए तो मैं उनसे मिलने गई थी कि चलो एक मौका मिला है उन्होंने इससे। वरना जब वो इधर इस्लामाबाद में शिफ्ट हुई थी तो मुझे उनकी लोकेशन पता चल गई थी कि वो किस एरिया में शिफ्ट हुई हैं, तो मैं सोचती थी कि मेरा वहाँ चक्कर लगा तो अगर मुझे पॉसिबल हो सका और अगर वो अवेलेबल हुई तो मैं उनसे ज़रूर मिलूंगी। तो फॉर्चुनेटली उन्होंने जो उनसे है कि एक मीटअप रख लिया, मीटअप कॉल किया तो उसमें देखें इतनी ज़्यादा आवाम आई और उन्होंने इनके लिए हम सब के लिए बॉक्सेस भी अरेंज किए हुए थे। लेकिन मैं उतनी देर तक वहाँ नहीं रुकी, मैं जल्दी आ गई थी क्योंकि मेरे साथ वानिया, अब्दुल्ला और अनाबिया तीनों बच्चे आए थे और वानिया और अनाबिया को मैंने फैज़ान को दिया हुआ था और अब्दुल्ला मेरे साथ स्टेज में गया था। और उनके व्लॉग में मैंने भी देखा कि उन्होंने अब्दुल्ला को भी लेकर आई है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है उनका व्लॉग देख के अभी कि उसमें मैं भी एक जगह नज़र आई थी। सो गाइज, मुझे उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, उनका मीटअप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। मेरी तरफ से सितारा यासीन को 1 मिलियन की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। इंशाल्लाह अगर आप और मीटअप कॉल करेंगी तो इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगी क्योंकि मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फ़ैन हूँ। अभी मैं स्पेशल मैंने उनको थैंक यू कहने के लिए वीडियो बनाई है क्योंकि मैं कल के वीडियो में, क्योंकि सही रहा है थोड़ा थोड़ा टाइम उन्होंने सबको देना था एक एक मिनट का, तो उसमें इतना मैं उनसे बात नहीं कर सकी, तो मैंने कहा मैं स्पेशल एक वीडियो बना के उन्हें थैंक यू कहूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा टाइम दिया, माशाल्लाह से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और अभी मैं और वानिया जी छत पे आए हुए हैं और छत पे हमने ये कपड़े फैलाए हुए हैं क्योंकि कपड़े आज मैंने धोए थे, बहुत ज़्यादा बच्चों के कपड़े हुए थे। सो एनीवेज, ये रही मेरी आज की वीडियो, मैंने छोटा सा कहा था मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि जिसमें मैं सितारा यासीन को थैंक यू कह सकूँ और आप सब न्यू सब्सक्राइबर्स को थैंक यू कह सकूँ कि जिन्होंने भी मुझे उनको देख के सब्सक्राइब किया और उन्होंने कमेंट्स भी किए हैं कि हमने सितारा यासीन की वजह से आपको सब्सक्राइब किया, तो थैंक यू सो मच मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। मैं थोड़ा लेट हो गई थी, वैसे मुझे जल्दी जाना चाहिए था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा सकी क्योंकि फैज़ान को भी काम था। मैं तैयार होकर तो कब से बैठी हुई थी लेकिन अब फैज़ान लेट आया तो उसकी वजह से थोड़ा सा मैं लेट होगी, लेकिन एनीवेज गई कम टाइम के लिए गई। और लेकिन मैं जिस मकसद के लिए गई थी, उनसे मिलना, उनके साथ पिक्चर बनाना, उनसे वीडियो बनाना, तो मैंने कर आई हूँ। सो ये रही मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको स्पेशल थैंक यू कहना था सितारा यासीन के लिए, मैंने स्पेशली वीडियो बनाई। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ्री में देखने को मिल सके। और अभी मैं और वानिया आए हुए थे छत पे और अभी यहाँ पे ना बहुत तेज़ हवा चलना स्टार्ट हो गई, मैंने आज कपड़े धुलवाए थे तो वो भी नीचे गिरे हैं, उन सबको मैं उठाती हूँ और मैं अब नीचे चलती हूँ। अनाबिया नीचे है, अब्दुल्ला गया हुआ ट्यूशन और मैं और वानिया छत पे आए हुए हैं, तो मैंने कहा यहाँ पे वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, स्पेशल थैंक यू भी कह देती हूँ। सो आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मज़ीद इस किस्म की वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर कदम पर बहुत ज़्यादा कामयाबी अता करे। आमीन।